उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा बुंदेलखंड में दो दिवसीय दौरा किया गया, जिसका आज आखिरी दिन था। इसके चलते आज महोबा, चित्रकूट, बांदा का दौरा था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा पहुंचकर राजकीय इंटर कॉलेज में बने जनसभा स्थल पहुंचकर ओडीपी के तहत लगे मेले का जायजा लेते हुए योजनाओं के लाभान्वित लाभार्थियों को चीजें वितरित करने का काम किया। योजनाओं के तहत 8 ई रिक्शा, 3 ट्रैक्टर, 5 ट्राई साइकिल और कन्याओं को साइकिल वितरण करने का काम किया गया। उसके बाद जनसभा में पहुंचकर जनसभा को संबोधित करते हुए योजनाओं के विषय में जानकारी दी। संबोधन के दौरान जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी आने वाले समय में यह विकास की व्यार रहेगी। आज हमारी सरकार के द्वारा बांदा में 926 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बुंदेलखंड हमेशा से पेयजल संकट के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी सरकार व देश के प्रधानमंत्री के प्रयासों के बाद अब केवल बुंदेलखंड में पानी ही पानी होगा। इसके लिए आज जनपद के खटान गाँव में हर घर जल घर घर नल की योजना की शुरुआत की जाएगी। We'll be right back.